आज मैं केवल दो चीजों से हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती, लेकिन दूध सप्लाई हमारा बिल्कुल बंद नहीं है। तो आप सबसे पहले आप दूध लेके उसका दही जमा सकते हैं। ये देखिए मैंने घर में ये दही जमाया है, आप इस तरह से दही जमा सकते हैं। और हमें सूजी लेना है, सूजी रवा, और इन दो चीजों से मैं टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाना सिखाऊंगी आपको। इसके लिए मैं सबसे पहले एक बाउल लूंगी और बाउल में पहले मैं ये रवा सूजी ये मैंने 4 चम्मच ये इस चम्मच से लिया है। अब मैं इसमें से ये कर लूंगी दही, ये दही भी मैं भर के 5 चम्मच मैं डालूंगी। और ये जो सारा दही का पानी है ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। केवल दही में नहीं फेंटना है, इसमें थोड़ा पानी भी मिक्स करना है और एक पेस्ट रेडी करना है। ये थोड़ा और पानी में मिक्स करूंगी और अच्छे से पैक लूंगी। ये फैटने के बाद मैं इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज और एक हरी मिर्च ये डालूंगी। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट यानी नमक डालना है और इसे अच्छे से सरसों और कड़ी पत्ता का तड़का लगाएंगे। सरसों और कड़ी पत्ता का तड़का लगा के फिर हम इसे बनाएंगे। सरसों और कड़ी पत्ता से तड़का लगाएंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब ये हमारा तवे पे बनने के लिए रेडी है। अब हम लोग एक तवा गर्म करेंगे। ये मैं दही और सूजी का चीला बना रही हूँ। ये देखिए डाल के अच्छे से इसे फैलाना है। ऊपर से ऑयल डालेंगे थोड़ा, फिर इसे हम लोग धीरे से साइड से इस तरह से अलग कर लेंगे तवे से और टर्न कर देंगे। टर्न करके ये दूसरे साइड से भी हम लोग इसे अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए ये हमारा दोनों साइड से पक गया है। इस तरह से हल्का रेड कर लेना है हमें। ये हमारा रेडी हो गया और इसे हम लोग प्लेट में निकाल लेंगे।
ये हमारा सूजी और दही से बना हुआ चीला रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।